हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी मोटर टॉर्शन। तो जैसा कि आप सबने टाइटल में देखा होगा, आज हम बात करने वाले हैं किया सोनेट के ओनरशिप रिव्यू के बारे में। तो काफी लोगों की डिमांड थी कि किया सोनेट का एक ओनरशिप रिव्यू देखना चाहते हैं और काफी ज्यादा कंफ्यूज है लोग सोनेट को लेके। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम ये वीडियो लेके आए हैं। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे साथ है सोनेट के ओनर विजय जी, जो कि आप सबसे शेयर करेंगे अपना ओनर्स रिव्यू। तो विजय जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन अवर चैनल। तो सर, सबसे पहले ये बताइए कि ये किया सोनेट का कौन सा वेरिएंट है और आपको कितने का ऑन रोड पड़ा? सर एक्चुअली ये वेरिएंट STX वेरिएंट है, जो कि टॉप से 2 स्टेप्स डाउन है। एंड इसकी जो वैल्यू है वो 11 लाख 20,000 में मेरे को टोटल ये कॉस्टिंग हुई है इस गाड़ी की। ओके, तो ये डीजल वेरिएंट है? यस सर। ओके, मैं आपको बता दूं कि हम हरियाणा के सिरसा में है। और आपने गाड़ी कहाँ से परचेज की? सर मैंने एक्चुअली बुकिंग सिरसा में की थी, बट एक्चुअली इनका जो पेरेंट कंपनी है तो हिसार से मेरे को इन्होंने गाड़ी डिलीवर की। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि हम हरियाणा के सिरसा में है और अगर आप किया की कोई भी गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आपको बेस्ट ऑफर्स और डील मिलेंगे रितु किया पे। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टेक्ट मिल जाएगा। तो सर ये बताइए कि आपका किया सोनेट का ही प्लान क्यों बना? और भी मार्केट में इसी सेगमेंट में काफी अच्छी गाड़ी है, तो आपका सोनेट का ही प्लान क्यों बना? सर एक्चुअली इट्स ए न्यू लॉन्च फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली मैं पहले Hyundai की गाड़ी चला रहा था तो ये पेरेंट कंपनी है तो मेरा इस पे मन था, क्योंकि ये मेरे को थोड़ी सी सॉलिड बॉडी वाइज एंड इट्स का जो लुक था और इसकी जो टैगिंग है वाइल्ड बाय डिजाइन, वो दैट परफेक्टली शूट्स टू दिस कार ना, दैट्स व्हाई आई चूज दिस वन। ओके ओके, और आपने टेस्ट ड्राइव कंपैरिजन भी किया होगा इससे पहले, इस गाड़ी को खरीदने से पहले बाकी गाड़ियों के साथ? सर मैंने टेस्ट ड्राइव नहीं किया एक्चुअली, टू बी वेरी फ्रैंक। मैंने पहले इसके रिव्यूज मैंने जैसे आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मैंने बहुत से रिकॉर्डेड वीडियोस ऑलरेडी पहले देखे नेट पे और उसके बाद मैंने उन रिव्यूज के बेसिस पे ही मैंने इस गाड़ी को फाइनली सिलेक्ट किया। ओके, और यहाँ हम बात करें डिजाइन की, तो सेगमेंट में सबसे अच्छा डिजाइन आपको किसका लगा? सर अभी इस सेगमेंट में प्राइस वाइज एंड फीचर वाइज दिस वन इज बेस्ट। ओके ओके, और बात करें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, माइलेज की, कि आपको माइलेज क्या मिल रही है इस गाड़ी में? सर माइलेज इसकी अराउंड 20 के अराउंड अभी माइलेज मेरे को स्टार्टिंग में मिल रही है। 1200 ये गाड़ी अभी चल चुकी है, बट मैं सेटिस्फाइड हूँ इस माइलेज से, क्योंकि न्यू इंजन है तो अभी और मैं एक्सपेक्ट करूंगा इसको माइलेज ज्यादा देगी गाड़ी। ओके, और यहाँ हम बात करें राइड एंड क्वालिटी की, आपको ओवरऑल राइड एंड क्वालिटी कैसी लगी? कहीं आपको लगा कि स्टीयरिंग ज्यादा लाइट है या ज्यादा हैवी है, या फिर आपको गियर लैग्स लगे हो, या फिर ओवरऑल ड्राइव आपको स्मूथ ना लगी हो, कुछ ऐसा? सर पहले मेरे पास सिडान गाड़ी थी, उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा हार्ड है, बट इस सेगमेंट की गाड़ियों में मैंने दूसरी ब्रेजा भी चलाई है तो उसमें सेम ये रहता है, मतलब इसका जो स्टीयरिंग है वो स्लाइटली हार्डर देन सीडान कार्स ना, तो ऐसा कोई ऐसा कोई ज्यादा इश्यू नहीं है। इजीली होना भी चाहिए थोड़ा सा हार्ड, ताकि गाड़ी मूव ना करे ज्यादा। ऑब्वियसली थोड़ा सा लाइट से हार्ड होना चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस भी तभी आता है कि अगर ज्यादा लाइट है तो मन में ये लगा रहता है कि हाई स्पीड पे अपने आप ही ना मुड़ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, और सर ये बताइए कि आपको इंजन का साउंड कैसा लगा? आपको कभी ऐसा लगा कि गाड़ी में बैठ के जो कैबिन नॉइस है इंजन से ज्यादा आ रही है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। नॉइज इतनी ज्यादा नहीं है कि जो हमें डिस्टर्ब करे या हमें फील हो। ओके, और जब आप हाईवे पे गाड़ी चलाते हैं तो तब आपके जो कैबिन है वो कितना साइलेंट रहता है? आपको ऐसा लगता है कि नीचे से जो रोड साइड नॉइस है वो ज्यादा है या विंड नॉइस है वो काफी आ रही है? नहीं सर ऐसा नहीं है, परफेक्टली मतलब नॉइस फ्री गाड़ी है। मतलब हाईवे पे तो इवन ये बहुत ही ज्यादा साइलेंट हो जाती है और बहुत परफेक्ट ड्राइव का मजा देती है गाड़ी। ओके, और यहाँ हम बात करें विजिबिलिटी की, गाड़ी चलाते हुए कभी ऐसी दिक्कत तो नहीं लगी कि विजिबिलिटी जो है वो उतनी अच्छी नहीं है, या फिर जो ए पिलर्स है वो ज्यादा वाइड है जिसकी वजह से आपको देखने में परेशानी हो रही है? नहीं सर, ऐसा मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ, क्योंकि मैं गाड़ी चलाते समय रोड पे ही ध्यान रखता हूँ। तो ब्रॉड हाउअर जो इसके जो मिरर्स है वो ब्रॉड है, तो ऐसा कभी इश्यू नहीं आया। बात करें हाई स्पीड स्टेबिलिटी की, आपने गाड़ी हाईवे पे ज्यादा स्पीड पे चलाई, कितनी स्पीड? सर मैंने 120 टच किया है अभी। ओके, बीइंग न्यू कार बट कंट्रोल अच्छा है सर गाड़ी का ओवरऑल। ओके, तो आपको ऐसे लगता है कि गाड़ी जम के चलती है, स्टेबल है पूरी? बिल्कुल, स्टेबिलिटी के मामले में ओके है सर। अच्छा सर ये बताइए कि ये ही वेरिएंट आपने क्यों खरीदा? इससे लोअर वेरिएंट या अपर वेरिएंट की चॉइस आपने क्यों नहीं करी? सर एक्चुअली मैं स्टार्टिंग में रिव्यू देखने के बाद मैंने STX प्लस का ही मूड बनाया था और मैं प्राइस का वेट कर रहा था, बट जब प्राइस डिस्क्लोज हुए तो अब मुझे पता लगा कि STX और STX प्लस में 1,50,000 का डिफरेंस है, वो भी 2-3 फीचर्स के बेस पे। तो वहां मुझे इससे नीचे वाले वेरिएंट में आना पड़ा क्योंकि ये फीचर लोडेड गाड़ी है और बस इसमें 2-3 फीचर्स एक्स्ट्रा थे, उसकी कंपनी ने जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा रख लिया। इसके लिए मेरे को कंपेल होना पड़ा कि STX ही मैं परचेज करूं। ओके, और बात करें हम पॉजिटिव्स की और नेगेटिव्स की, तो आपको सबसे अच्छा क्या लगा इस गाड़ी में? सर, इसके फीचर्स इतने हैं, मैं फ्रेंकली बताऊं तो अभी मैं इसके शायद 60% फीचर ही समझ पाया हूँ। 40% फीचर्स अभी स्टिल एक्सप्लोर करने हैं मुझे, और जो धीरे धीरे मैं इसके बारे में पता कर रहा हूँ। और कौन सर एक्चुअली जो सीट साइज है, थाई साइज है, वो अगर 1 इंच और बढ़ा देती कंपनी, क्योंकि हो सकता है कंपनी ने स्पेस को इम्प्रोमाइज करने के लिए इसके साथ कॉम्प्रोमाइज किया है, तो वो शायद अगर 1 इंच अगर उसमें और बढ़ा देती तो वो सीट कंफर्ट, थाई कंफर्ट था, वो अच्छा मिल जाता। ओके, और ओवरऑल गाड़ी की स्पेस की बात करें, आपको कभी ऐसा लगा कि स्पेस की कमी है? स्पेस सर, सीटिंग स्पेस सफिशिएंट है, बट जो स्पेस ग्लोव बॉक्स की बात करें वहाँ थोड़ा सा छोटा है वो। और बाकी मेरे लिए इस पहली वाली गाड़ी कंपैरिजन में जो ये रेस्ट है, जो ये हेड रेस्ट है, जो हैंड रेस्ट है, ये मेरे को मिल रहा है तो पहले में नहीं था, तो मेरे को ये ठीक लग रहा है, इसमें मेरे को कोई ऐसा इश्यू नहीं है। बाकी अदरवाइज स्पेस वाइज ओके है सर। तो ओवरऑल लॉन्ग ड्राइव पे आपको मस्त अच्छा लगता है गाड़ी चलाना और पूरा कंफर्ट लगता है? बिल्कुल सर। ओके, और बात करें हम पावर एंड पिकअप की, आपको कभी ऐसा लगा कि ओवरटेकिंग के टाइम जो पावर की है वो कमी है, जितनी लीनियर डिलीवरी मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिल रही है, ऐसा लगा आपको? नहीं सर, पावर और उसके मामले में तो ये गाड़ी बिल्कुल ठीक है, ऐसा मेरे को कभी इश्यू नहीं आया। बट इस गाड़ी की एक अच्छी बात ये है कि इवन 55 स्पीड से भी हम 6 गियर पे ये गाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी और पिकअप ले लेती है वहां से भी, ये एक अच्छी चीज है। अच्छा सर, आपको सस्पेंशन कैसे लगे? आपको कभी ऐसा लगा कि गड्ढे जो है वो ज्यादा महसूस होते हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। हाइट की वजह से हल्का सा फील तो होता है, बट इतना वो नहीं है कि जर्की फील हो हमें। ओके, और बात करें हम यहाँ म्यूजिक सिस्टम की, टच की, तो कैसी परफॉर्मेंस लगी? अगर मुझे 10 में से नंबर देना था तो मैं 9 नंबर ही दूंगा, क्योंकि हल्का सा मुझे कभी कभी फील होता है कि इसके टच में। बाकी ऐसा इश्यू नहीं है, मतलब ओके है। और ओवरऑल आपको AC की परफॉर्मेंस कैसी लगी? सर, AC इसका डेफिनेटली पावरफुल है, बहुत पावरफुल है, मतलब इवन 0.5 पे भी ये रेस्पॉन्स करता है, 0.5 अप एंड डाउन रेस्पॉन्स करता है सर, कूलिंग में, हीटिंग में पावरफुल है AC। और क्रूज कंट्रोल वगैरह ऑप्शन आपने यूज किए? क्रूज कंट्रोल यूज किया है सर, बहुत अच्छा ऑप्शन है, और लंबी ड्राइव पे कभी चलते हैं तो उसके लिए बहुत ही बेस्ट है। क्रूज कंट्रोल पे तो गाड़ी बिल्कुल, अगर इसको 100 पे सेट कर देते हैं तो ये 100 पे ही, अगर 90 स्पीड है, एक बार 100 पे कर दिया हमने तो एकदम से भागती है गाड़ी, और अच्छा है, मतलब रेस्पॉन्स अच्छा है। और ओवरऑल आपको इंटीरियर्स कैसे लगे इस गाड़ी के? इंटीरियर सर, मैं जो कंपनी ब्लैक दे रही है, ब्लैक की बजाय मुझे बीज एंड ब्लैक कम्बिनेशन ज्यादा लगा, और मुझे अच्छा लगा कि STX जो मॉडल खरीदा हूँ उसमें ये कम्बिनेशन मुझे मिल रहा है। बात करें हमारे व्यूअर्स की, तो आप रिकमेंड करोगे ये गाड़ी? बिल्कुल सर, इस प्राइस रेंज में, अगर इसके टॉप वेरिएंट में जाएं तो उसका मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट इस प्राइस रेंज में आपको सनरूफ मिल जाती है। मेरे बच्चे ने जिद की थी कि पापा सनरूफ वाली गाड़ी लेनी है, तो STX प्लस में मेरे को सनरूफ मिल गया। हाँ। और मेरे को जो फीचर्स चाहिए थे, इवन मैं अभी गो थ्रू नहीं हुआ फीचर्स के, वो फीचर्स भी मुझे पता लग गए, तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि अच्छी गाड़ी है। फुली सेटिस्फाइड? बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके, तो ये था किया सोनेट का एक ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू। So thank you guys for watching this video. So thank you again sir. Thank you sir, thank you very much. So मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद सर।